इंट्रोडक्शन टू सीएनएस फार्माकोलॉजी के पार्ट वन में हमने बात कर लिया था क्राइटेरिया फॉर अ केमिकल टू बी अ न्यूरोट्रांसमीटर, मतलब किसी भी केमिकल को हम न्यूरोट्रांसमीटर कहने के लिए कौन सी क्राइटेरिया फुलफिल करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे पार्ट टू में वो न्यूरोट्रांसमीटर जो कि कॉमनली हमारे बॉडी में पाई जाती है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, क्योंकि जब तक हमें न्यूरोट्रांसमीटर्स नहीं पता चलेगा आगे के चैप्टर ड्रग्स यूज्ड इन सीएनएस फार्माकोलॉजी पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूरोट्रांसमीटर जो पहला न्यूरोट्रांसमीटर है वो है एसिटाइल कोलिन। इसके बारे में हमने पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स वाले चैप्टर में भी बात किया था एएनएस में। तो अब हमें यहाँ पर ज़्यादा चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इसकी एनाटॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपको आनी चाहिए एंड रिसेप्टर के बारे में पता होना चाहिए, एनाटॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये देखिए ना, एक तो ये पाई जाती है सेल बॉडीज एट ऑल लेवल ऑफ ब्रेन या सीएनएस, मतलब तकरीबन सारे ही ब्रेन के जो पार्ट्स हैं उन सारे लेवल पे जो है सेल बॉडीज के पास एसिटाइलकोलिन पाई जाती है। ठीक है, या उसके सिनाप्स के पास जो है एसिटाइलकोलिन होती है। और सेकंड जो है इसके वो है कि एसिटाइलकोलिन, देखना एक तो ये मोटर न्यूरॉन रेंसौर सेल, ओके इट्स नॉट वर्किंग, रेंसौर सेल सिनाप्स के पास पाई जाती है। ठीक हो गया, यह इसके एनाटॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन है एसिटाइलकोलिन के। इसके रिसेप्टर्स आप बहुत ही जो है इसके साथ फैमिलियर, इसके रिसेप्टर्स के साथ रिसेप्टर्स, लेकिन इसके होते हैं दो टाइप ऑफ रिसेप्टर, निकोटिनिक रिसेप्टर एंड मस्कारिनिक रिसेप्टर। तो निकोटिनिक रिसेप्टर जिसमें NM एंड NM रिसेप्टर है, ठीक है, NM एंड NN रिसेप्टर, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे हो गया, ये गैंग्लिया पे हो गया। अब ज़्यादा चीज़ हमें जानने की ज़रूरत नहीं, बस इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आनी चाहिए आपको कि ये जो है सोडियम पोटासियम आयोन चैनल को ओपन करके काम करता है, चैनल, ओके। ठीक है, नाउ सेकेंड वन इज मस्कारिनिक रिसेप्टर, मस्कारिनिक रिसेप्टर्स, और इसमें भी आपने आपको पता होगा M1 से लेके M5 तक होता है, और इसके जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझना बहुत ही ईजी है, GQ, GI, GQ, GI, GQ, जो क्यू वाले हैं वो एक्साइटेटरी होंगे, ओके। सो ये तीनों जो है एक्साइटेटरी हैं, 1, 3 एंड 5 एक्साइटेटरी, एंड दीज टू आर इनहिबिटरी, 2 एंड 4 आर इनहिबिटरी। ठीक है, तो बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर में एसिटाइल कोलिन के बारे में हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम सेकेंड न्यूरोट्रांसमीटर की बात करते हैं, वो है डोपामिन। ठीक हो गया, नाउ सेकेंड न्यूरोट्रांसमीटर इज डोपामिन। डोपामिन अगेन एक अमाइन न्यूरोट्रांसमीटर है ये। इसके जो है एनाटॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो एनाटॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन है कि ये पाया जाता है नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे, मीन्स अगर उस पाथवे की डैमेज हो गया तो उस बंदे को पार्किंसन डिजीज हो सकता है। ठीक है, नाइग्रो स्ट्राइटल पाथवे। सेकेंड वन इज मेजो कॉर्टिको लिम्बिक पाथवे, जो कि इमोशन एंड एपेटाइट को कंट्रोल करता है, मतलब मिड ब्रेन से कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, एंड देन वहाँ से लिम्बिक सिस्टम तक इसके पाथवे गया होगा। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज ट्यूबेरो इनफंडिबुलर बुलर पाथवे, इसको हम हाइपोथैलामो पिट्यूटरी पाथवे भी कहते हैं, पाथवे जो कि प्रोलैक्टिन की रिलीज को सप्रेस कर रहा होता है, मतलब अगर इस पाथवे में कहीं डैमेज हो गया तो क्या होगा, प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को बढ़ा देगा। ठीक है, इसके एनाटॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये है। इसके बाद रिसेप्टर्स की अगर हम बात करें तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, D1, D2, D3,
डी फोर एंड डी फाइव रिसेप्टर्स, ठीक है। डी वन एंड डी फाइव रिसेप्टर को हम कहते हैं डी वन लाइक रिसेप्टर्स, लाइक रिसेप्टर्स, जो कि जो है सी एम पी के लेवल बढ़ाकर इनहिबिटरी प्रोटीन को एक्टिवेट करके ये इनहिबिटरी जैसा काम करता है, ठीक है। सी एम पी के लेवल बढ़ा के ये इनहिबिटरी काम करता है, इनहिबिटरी एक्शन है इसकी। और जो है डी टू डी थ्री एंड डी फोर जो है इसको हम डी टू लाइक रिसेप्टर्स कहते हैं, ठीक है, जो कि कैल्शियम की कंडक्टेंस को कम करके इनहिबिटरी जैसा काम करते हैं, ठीक हो गया ये इनहिबिटरी अगेन, ठीक हो गया। नाउ थर्ड न्यूरोट्रांसमीटर, ये सेकेंड था। नाउ थर्ड न्यूरोट्रांसमीटर जो है नॉरएपिनेफ्रिन के बारे में हम बात करते हैं, ठीक हो गया। नॉरएपिनेफ्रिन के बारे में भी हमने बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया है पहले ही सिम्पैथोमिमेटिक्स एंड सिम्पैथोलाइटिक्स में। अब हमें थोड़ी सी चीज़ बस आनी चाहिए इसमें, नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। नॉर एपिनेफ्रिन भी क्या है, एक अमाइन न्यूरो ट्रांसमीटर है या मोनो अमाइन है ये भी। अब इसकी एनाटोमिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो एनाटोमिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक तो हो गया सेल बॉडीज ऑफ ब्रेन स्टेम या एट ब्रेन स्टेम, ठीक है, क्योंकि क्योंकि जो सिंपैथेटिक मतलब वैजो मोटर सेंटर्स वगैरह होते हैं वो सारे कहाँ पर होते हैं, ब्रेन स्टेम में होते हैं। तो एपिनेफ्रिन जो है वहाँ पर पाया जाता है उसकी सेल बॉडीज में, मतलब सेल बॉडीज पर उसका काम होता है, ठीक है। और इसके बाद सेकेंड है लैटरल टैगमेंटल, टैगमेंटल एरिया ऑफ ब्रेन स्टेम, ठीक हो गया। नाउ आ जाते हैं इसके रिसेप्टर्स पर, तो देखिए ना बेसिकली सिंपैथेटिक रिसेप्टर या एड्रेनर्जिक रिसेप्टर दो टाइप के होते हैं, अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स। तो अब देखें नॉरएपिनेफ्रिन का अल्फा वन, अल्फा टू, बीटा वन, बीटा टू, बीटा थ्री के लिए इसका इतना ज़्यादा मतलब बीटा थ्री पर इसका रोल नहीं है। तो हम इसी इन चार के रिसेप्टर की बात करते हैं। जो अल्फा वन है वो एक्साइटेटरी रिसेप्टर है, एक्साइटेटरी जो है मतलब प्रोटीन को एक्टिवेट करके जो है ये आगे काम करता है। नाउ ये जो है इनहिबिटरी हो गया, बीटा वन इज एक्साइटेटरी अगेन एंड बीटा टू इज इनहिबिटरी, ठीक हो गया। तो नॉर एपिनेफ्रिन के बारे में यहाँ पर हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए। नाउ फोर्थ न्यूरोट्रांसमीटर की बात करते हैं, वो है सेरोटोनिन। फोर्थ न्यूरोट्रांसमीटर इज सेरोटोनिन, इसको हम 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन भी कहते हैं, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन। अब इसकी एनाटॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो ये सेल बॉडीज ऑफ ऑफ मिड ब्रेन एंड पोन्स के लेवल पर इसकी जो है सेल बॉडीज के पास से सेरोटोनिन पाई जाती है। अब ओके, इसके रिसेप्टर्स की अगर हम बात करें, रिसेप्टर्स ऑफ सेरोटोनिन, तो इसकी अगर हम बात करें तो 7 to 8 रिसेप्टर्स इसके होते हैं, जैसे कि 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन 1, फिर 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक ऐसे है ना जाते हैं। तो लेकिन हमारे बुक में जो लिखा है उसके हिसाब से हम चलते हैं, 1A 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन 2A 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन 3A एंड 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन 4, ये चार रिसेप्टर के बारे में बात की गई हमारे बुक में। तो ये देखें ना, ये जो है जी आई मैकेनिज्म के थ्रू इनहिबिटरी इसका एक्शन है 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन 1 का, जो कि सी एम पी के लेवल कम कराए काम करेगा। जो है जी ये जो है ये जी क्यू मैकेनिज्म के थ्रू काम करता है 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन 2A, ठीक है। जो ये 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन 3A है ये काम करता है सोडियम पोटासियम चैनल को एक्टिवेट करके। तो ये अगेन क्या, ये एक्साइटेटरी हो गया, ये इनहिबिटरी, ये एक्साइटेटरी, ये एक्साइटेटरी, ठीक हो गया। और ये जी एस मैकेनिज्म के थ्रू काम करता है, तो ये भी अगेन क्या हो गया, एक्साइटेटरी, ठीक हो गया। तो
तो ये सेरोटोनिन के बारे में हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए। नाउ फिफ्थ न्यूरो ट्रांसमीटर जो है ग्लूटामिक एसिड, उसके बारे में हम बात करते हैं। और फिफ्थ इज ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड जो है, आपको एक चीज में बता दूं, एक होता है ईपीएसपी, एक होता है आईपीएसपी। मतलब कभी भी अगर कोई भी न्यूरॉन या कोई एक्साइटेटरी मेम्ब्रेन जो है डिपोलराइज होता है तो वो एक्साइट होता है, उसको हम कहते हैं एक्साइटेटरी पोस्ट सिनाप्टिक पोटेंशियल। ठीक है, अगर वही हाइपर पोलराइज हो जाए तो क्या होता है, वो इनहिबिट होता है, तो उसको हम कहते हैं इनहिबिटरी पोस्ट सिनाप्टिक पोटेंशियल। ठीक है, तो ग्लूटामिक एसिड जो है मेजर एक्साइटेटरी पोस्ट सिनाप्टिक पोटेंशियल का न्यूरो ट्रांसमीटर है। ठीक है, मतलब अगर ये आ गया तो वहाँ पर एक्साइटेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड तो ओके ओके। अब इसकी हम देखते हैं जो है एनाटॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन। एनाटॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स में पाया जाता है, मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स। ठीक है, अगर हम इसके रिसेप्टर्स की बात करते हैं तो रिसेप्टर थ्री टाइप्स के होते हैं इस ग्लूटामिक एसिड का। पहला जो रिसेप्टर है उसको हम कहते हैं एन एम डी ए रिसेप्टर, एन मिथाइल डी एस्पार्टेट रिसेप्टर। ठीक है, जो कि क्या करता है कि ये एक्साइटेटरी, ऑफ कोर्स इसके तीनों के तीनों रिसेप्टर एक्साइटेटरी है, जो कि कैल्शियम की कंडक्टेंस बढ़ा के, इंक्रीज कर कैल्शियम कंडक्टेंस बढ़ा के ये जो है एक्साइटेटरी जैसा काम करता है, कंडक्टेंस। सेकेंड जो रिसेप्टर है उसको हम कहते हैं अम्पा रिसेप्टर। ठीक है, अम्पा रिसेप्टर। अब देखें अम्पा रिसेप्टर का फुल फॉर्म क्या है, अल्फा अमाइनो 3 हाइड्रोक्सी, ये ए से हो गया। ठीक है, एम से हो गया 5 मिथाइल, ओके 5 मिथाइल 4 आइसोक्जाजोली, ये हो गया एम से। अब पी से हो गया प्रोप्रियोनिक एसिड, प्रोप्रियोनिक एंड ए से हो गया एसिड। ठीक है, तो ये है अम्पा का फुल फॉर्म, अम्पा। और ओके थर्ड जो रिसेप्टर है उसका नाम है काइनेज रिसेप्टर, काइनेट रिसेप्टर, सॉरी काइनेट रिसेप्टर। अब ये अम्पा और काइनेट दोनों के दोनों रिसेप्टर जो है एक ही मैकेनिज्म के थ्रू काम करता है, वो है कि सोडियम पोटासियम आयन चैनल को ओपन करके, चैनल के जरिए ये जो है अपना इफेक्ट शो करता है। ठीक है, तो फिफ्थ रिसेप्टर ग्लूटामिक एसिड के बारे में ये है। नाउ सिक्स्थ रिसेप्टर पे आते हैं, नाउ सिक्स्थ रिसेप्टर इज ग्लूटामिक एसिड हो गया। अब हम बात करते हैं गाबा की, गाबा एंड ग्लाइसिन, ये दोनों के दोनों जो है मेजर आईपीएसपी न्यूरोट्रांसमीटर है, जो कि इनहिबिशन कराता है। ठीक है, मतलब जो कि हाइपर पोलराइजेशन कराता है। तो इसके एनाटॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये मेजर इनहिबिटरी जो है पोस्ट सिनाप्टिक पोटेंशियल वाले न्यूरॉन्स के पास ज्यादा होंगे। अगर इसकी हम रिसेप्टर्स की बात करते हैं तो इसके रिसेप्टर्स दो टाइप के, गाबा ए रिसेप्टर एंड गाबा बी रिसेप्टर। ठीक है, गाबा ए रिसेप्टर क्या कहते हैं, कुछ इस तरह से होती है इसकी ना, जब इसके बारे में हम पढ़ेंगे जब जो है सॉरी वो बेंजोडाइजिपेंस वगैरह पढ़ेंगे, फिर गाबा ए गाबा बी रिसेप्टर की बात वहां पर आएगी, तो वहां पर हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके जो सब यूनिट होते हैं, सब यूनिट के दरमियान एक होल होता है जिसके थ्रू और जो एक सॉरी क्लोराइड चैनल होता है, जैसे ही गाबा ए मतलब गाबा बाइंड करता है गाबा ए रिसेप्टर पर, क्लोराइड चैनल ओपन होता है। तो क्लोराइड चैनल ओपन करा के ये क्या, नीचे तो निगेटिव चार्ज हो गया, हाइपर पोलराइजेशन कराता है। तो गाबा ए रिसेप्टर जो है हाइपर पोलराइजेशन कराता है ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल करा के, सॉरी ओपनिंग ऑफ क्लोराइड चैनल। ठीक हो गया, गाबा बी रिसेप्टर की अगर हम बात करें तो गाबा बी रिसेप्टर देखें, एक तो ये ओपन्स पोटासियम चैनल, और वो चैनल दैट इज शेयर्ड बाय 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन 1 रिसेप्टर। मतलब 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन एंड गाबा बी रिसेप्टर दोनों ही मतलब एक्टिवेट हो गए, या एक ही चैनल। ओके मैं इसको इजी वे में बता देता हूँ, अगर ये एक गाबा बी रिसेप्टर है
और गाबा बी रिसेप्टर पर यहाँ पर 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन 1A सब यूनिट भी है, मतलब 1 सब यूनिट भी है जिसपे 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन बाइंड करता है, और इधर गाबा बाइंड कर गया तो ये क्या करता है, पोटासियम चैनल को ओपन करता है सो दैट पोटासियम चैनल पोटासियम बाहर निकल जाए और अगेन ये हाइपरपोलराइजेशन कराता है। एंड सेकेंड जो इसका काम है वो ये है कि ये कैल्शियम चैनल को बंद कर देता है, क्लोजेज कैल्शियम चैनल, ठीक है। तो गावा बी रिसेप्टर इस तरीके से जो है इनहिबिटरी जैसा काम करता है दोनों तरीके से। नाउ अगर हम सेवेंथ रिसेप्टर की बात करें, सेवेंथ न्यूरो ट्रांसमीटर वो है पेप्टाइड न्यूरो ट्रांसमीटर, पेप्टाइड्स में भी जो मोस्ट कॉमन या मोस्ट जो फैमिलियर जो है हमारे बॉडी में न्यूरो ट्रांसमीटर वो है ओपियोइड पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स जो कि मोस्ट ऑफ दी जो है न्यूरो ट्रांसमीटर की प्रॉपर्टीज फुलफिल करता है। अब इसके एग्जांपल अगर हम देखें तो एग्जांपल है बीटा इंडोर्फिन, मेट इनकेफेलिन, मेट एंड ल्यू इनकेफेलिन, फेलिन एंड डाइनोर्फिन, ठीक है। अब ओपियोइड रिसेप्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो ओपियोइड रिसेप्टर्स जो है म्यू रिसेप्टर हो गया, डेल्टा रिसेप्टर हो गया, एंड एट द लास्ट मतलब थर्ड वन हो गया इसका कापा रिसेप्टर। अब इन सारों की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिटेल जो है हम पढ़ेंगे जब ओपियोइड नार्कोटिक्स पढ़ेंगे उस टॉपिक में, ठीक है। अभी बस इसके लिए पेप्टाइड्स के लिए सिर्फ इतना चाहिए। अब देखें ना हमारे बॉडी में दो टाइप ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर अब आ गया, एक तो हो गया अमाइन वाले जो कि नॉन पेप्टाइड न्यूरो ट्रांसमीटर है, अमाइन ही नहीं बस उसमें और भी आ गया जो अमाइनो एसिड वाला भी आ गया, और दूसरा आ गया पेप्टाइड। तो पेप्टाइड नॉन पेप्टाइड न्यूरो ट्रांसमीटर में डिफरेंस क्या है वो हम यहाँ पर देखते हैं, डिफरेंसेज बिटवीन पेप्टाइड्स, पेप्टाइड न्यूरो ट्रांसमीटर एंड नॉन पेप्टाइड न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक हो गया। तो बेसिकली मेन टू डिफरेंसेस के, तो इससे पहले मैं ना आपको एक डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये सेल बॉडी है, डेंड्राइट हो गया ये, दिस इज एक्सॉन, एक्सॉन टर्मिनल। जो नॉन पेप्टाइड जैसे कि अमाइन वाला हो गया, नॉरेपिनेफ्रिन, एसिटाइलकोलिन, वो हमने पढ़ा था जब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ा था वहाँ पर हमने पढ़ा था कि ये नर्व टर्मिनल्स के पास उसकी सिंथेसिस होती है, लेकिन जो पेप्टाइड है उसकी सेल बॉडी में सिंथेसिस होती है, और सेल बॉडी में सिंथेसिसाइज होकर एक्सोनल ट्रांसपोर्ट के थ्रू नर्व टर्मिनल्स के पास पहुंचती है और वहां पर वो उसकी रिलीज होती है, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं तो फर्स्ट पॉइंट क्या बनेगा कि पेप्टाइड्स आर सिंथेसाइज्ड इन सेल बॉडीज एंड ट्रांसपोर्टेड वह एक्सोनल ट्रांसपोर्ट टू एक्सोन टर्मिनल्स, ठीक हो गया। बट जो नॉन पेप्टाइड है दैट आर सिंथेसाइज्ड इन नर्व टर्मिनल्स, ठीक है। नाउ सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें तो पेप्टाइड ट्रांसपोर्टर्स होते हैं लाइक पेप्टाइड, यहाँ पर न्यूरो ट्रांसमीटर निकल गया, ठीक है। इसकी रीअपटेक नहीं होती, लेकिन हमने पढ़ा था कि नॉरेपिनेफ्रिन की, एसिटाइलकोलिन की रीअपटेक होती है, ठीक है। एक तो ये हो गया, और दूसरा जो होते हैं ना जो पेप्टाइड्स या सॉरी नॉन पेप्टाइड था एसिटाइलकोलिन नॉरेपिनेफ्रिन, उसको इनहिबिट करने के लिए एक प्रॉपर एंजाइम सिस्टम था, लेकिन पेप्टाइड को इनहिबिट करने के लिए कोई प्रॉपर एंजाइम सिस्टम नहीं होता। तो पेप्टाइड्स नो रीअपटेक मैकेनिज्म या प्रोटीन्स आर प्रेजेंट फॉर पेप्टाइड्स एंड ऑल्सो नो एनी इनहिबिटरी एंजाइम सिस्टम प्रेजेंट फॉर पेप्टाइड्स। बट ये नॉन पेप्टाइड्स के लिए ये दोनों ही चीज़ होती है, रिएप्टिक मैकेनिज्म भी होती है और इनहिबिटरी एंजाइम सिस्टम भी होती है, ठीक है। तो ये था इसके डिफरेंसेस। अब एक आखिरी चीज है जो हम पढ़ लेते हैं, उसको कहते हैं एंडोकैनाबिनोइड्स, ठीक है। ओके रिलीज करता हूं मैं इसको,
एंडोकैनाबिनोइड्स। एंडोकैनाबिनोइड्स एक जो है मॉडिफाइड, या इट इज द डेरिवेटिव ऑफ टू अराकिडोनाइल ग्लिसरॉल, जिसकी बहुत ही ज्यादा रोल है इमोशन, अपेटाइट एंड स्लीप पैटर्न में। ठीक है, ग्लिसरॉल। ओके, तो एंडोकैनाबिनॉइड्स हो गया। अब इसकी ना जो मैकेनिज्म एक्शन क्या है, तो मैं एक डायग्राम यहाँ पर बनाता हूँ। दिस इज अ सिनेप्स, दिस इज प्री सिनेप्टिक नर्व टर्मिनल एंड दिस इज पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, अब देखें ना, होता ही है यहाँ पर कि यहाँ से नॉर्मली क्या होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर जो है प्री सिनेप्टिक से निकलता है। ठीक है, और जो एंडोकैनाबिनॉइड्स है, जैसे यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल आता है, ये क्या करेगा, एंडोकैनाबिनॉइड्स बाहर निकालेगा सिनेप्टिक गटर में, और यहाँ पर होता है कैनाबिनोइड रिसेप्टर। ठीक है, ये जाके इस पर बाइंड करेगा कैनाबिनोइड रिसेप्टर पर। ये देखिए, ये दिस इज दीज आर एंडोकैनाबिनोइड्स व्हिच आर सिंथेसाइज्ड इन पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स। ठीक है, और ये रेट्रोग्रेड मैकेनिज्म में ट्रांसपोर्ट होगा, बाइंड होगा कैनाबिनोइड रिसेप्टर पर, और जो कि इनहिबिट करेगा नॉर्मल जो बाकी न्यूरो ट्रांसमीटर की रिलीज को। ठीक हो गया, तो एंडोकैनाबिनोइड्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है। इसके बाद एटीपी रिसेप्टर्स की बात हम कर लेते हैं। एटीपी रिसेप्टर्स की बस आपको नाम आनी चाहिए, P2X एंड P2Y रिसेप्टर हैं। मे बी शायद एमसीक्यू में पूछ रहे हैं, तो P2X एंड P2Y रिसेप्टर्स है। ये भी क्या करता होता है कि न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को इनहिबिट ही करता होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉक करके।